ने दिल्ली से जस्टिस एस ए बोबड़े अगले सीजीआई होने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से जस्टिस एस ए बोबड़े होंगे अगले सीजीआई। राष्ट्रपति ने सीजीआई बनाए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जस्टिस बोबड़े 18 नवंबर को चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। सुमित कुमार जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सुमित, मोहर लग गई है पूरी तरीके से नए सीजीआई के नाम पर। जी बिल्कुल, देखिए 18 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अगला चीफ जस्टिस जस्टिस एस ए बोबड़े को अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी थी और कानून मंत्रालय ने ये सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजी थी और आज राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। बाकायदा जो नियुक्ति का जो आदेश है उस पर राष्ट्रपति ने बाकायदा हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका साफ मतलब है कि जस्टिस एस ए बोबड़े जो है अगले चीफ जस्टिस होंगे और 18 अक्टूबर को वो चीफ जस्टिस की जो है वो शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा जहाँ राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस को शपथ दिलाएंगे। तो अगला जो चीफ जस्टिस जस्टिस एस ए बोबड़े होंगे जो कि 18 अक्टूबर को शपथ लेंगे और मौजूदा जो चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई उनका कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म हो रहा है, यानी कि 17 नवंबर को जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद अगला चीफ जस्टिस जस्टिस एस ए बोबड़े को बनाया जाना था और उसी आदेश पर राष्ट्रपति ने आज मंजूरी देते हुए हस्ताक्षर किए हैं। और सबसे अहम है कि जस्टिस एस ए बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं और जो अयोध्या मामले की जो संविधान पीठ है उसमें वो शामिल हैं। तो लिहाजा 17 नवंबर से पहले जस्टिस रंजन गोगोई को अयोध्या मामले में एक ऐतिहासिक फैसला देना है और उसके बाद 18 अक्टूबर को जो है जस्टिस एस ए बोबड़े चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जो कि राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे जो समारोह है वो आयोजन किया जाएगा जहां राष्ट्रपति जस्टिस एस ए बोबड़े को जो है देश के अगले चीफ जस्टिस के पद की शपथ दिलाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। नए जस्टिस का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, जो नाम है उस पर मोहर लग चुकी है जस्टिस बोबड़े के तौर पर, जो सबसे वरिष्ठतम जजों में से एक हैं अगर हम सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जिक्र करें। और उनके नाम की सिफारिश जो है यहाँ पर की गई थी इस पर अब राष्ट्रपति की तरफ से मोहर जो है वो लगा दी गई है। 18 नवंबर को अपना पदभार यहाँ पर ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि 17 नवंबर को वर्तमान जो सीजीआई हैं उनका कार्यकाल, रंजन गोगोई का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण केसों में से एक अयोध्या मसला, उस बेंच में भी जो बोबड़े हैं वो शामिल हैं और 18 तारीख से यानी 18 नवंबर से वो इस पदभार को ग्रहण कर